अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, मीन व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, मेजर एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट क्या होती है, इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है ये फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर सिस्टम के कुछ फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको आप कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल पार्ट वो वाले पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, और जिन पार्ट्स को आप छू सकते हो उन पार्ट्स को आप कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हो। कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर केसिंग आ जाती है, मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस वगैरह आ जाता है। इसके अलावा इसके कुछ इनसाइड पार्ट भी होते हैं, कुछ आउटसाइड पार्ट होते हैं, और इन कंप्यूटर के जो इनसाइड कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, जो कि केसिंग के अंदर की जो पार्ट होते हैं, उनमें हार्ड डिस्क आ जाती है, मदरबोर्ड आ जाता है, वीडियो कार्ड आ जाते हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारी डिवाइसेस, आई मीन जिसमें रैम आ गया, रोम आ गया, हार्ड डिस्क वगैरह आ गई, बायोस सेल जो आ गया, तो ये सारे जो होते हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, ये आपको नजर आ रहे होंगे, सारे के सारे जो पार्ट हैं ये कंप्यूटर पार्ट हैं, और इन पार्ट्स को आप कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहते हैं। मेजर एलिमेंट जो होते हैं कंप्यूटर के, वो दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट जो होते हैं इनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो मेन इसके एलिमेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर के आगे मजीद एग्जाम भी हैं जिनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। सॉफ्टवेयर के आगे काफी सारी टाइप्स है, लेकिन मेजर जो इसके एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर के वो दो हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो वाले टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप हाथ लगा सकते हो, टच कर सकते हो, जो हार्डवेयर होते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर वो वाले पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिन पे आप काम कर सकते हो, जिनके ऊपर आप काफी सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते हो, उनको आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर, जबकि हार्डवेयर जो होते हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप छू सकते हो और जिनके ऊपर आपने कोई काम करना होता है। हार्डवेयर में आपकी इनपुट यूनिट भी आती है और आउटपुट यूनिट भी आ जाती है कंप्यूटर हार्डवेयर में, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको दोनों एलिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा कंप्यूटर पे काम नहीं होता। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर के लिए, विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कोई काम नहीं करता। कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं कंप्यूटर को जिनको आप आसानी से लगा सकते हो, आसानी से आप उनको असेंबल कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर केसिंग आ गई, कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया। इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर की काफी सारी टाइप्स होती हैं जिनके ऊपर हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर पर आप कैसे काम करते हो। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है वो बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट है कंप्यूटर के, इनमें इनपुट यूनिट आ जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू आ जाता है, और आउटपुट यूनिट आ जाती है। कंप्यूटर के इनपुट यूनिट वो वाली होती है जो आप खुद परफॉर्म करते हो, मीन कंप्यूटर हर एक काम करता है, सिर्फ इनपुट खुद नहीं देता। तो इनपुट यूनिट वो वाली यूनिट होती है जिन पे आप खुद इसे इंस्ट्रक्शन देते हो,
मेन आपका माउस आ गया, माउस से आप क्लिक करते हो, पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस, इनपुट यूनिट है वो, कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट है, स्कैनर इनपुट यूनिट है, माइक इनपुट यूनिट है, उसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो होता है, इसके आगे फर्दर काफी सारी टाइप्स हैं, काफी सारे इसके और यूनिट्स हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। और फिर आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट वो वाले यूनिट होते हैं जिनमें आपको कंप्यूटर काम करके आपको सामने ला के देते हैं, मीन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है वो आ गई, आपका प्रिंटर है वो आ गया, प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकल आता है, आप अगर अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, इनपुट देते हो कि प्रिंट जो है तो वो बाहर निकले, आपने कुछ पेजेस लिखे हैं उनका प्रिंट बाहर निकले, तो वो आउटपुट डिवाइसेस से बाहर निकलेगा, स्पीकर हो जाता है, तो ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर की जो ब्लॉक डायग्राम होती है, मीन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो ब्लॉक डायग्राम होती है, उसमें इनपुट यूनिट होती है सबसे पहले, इनपुट यूनिट के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हो, ये इनपुट जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू में जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आगे इसको अगर आप चाहते हो कि मेमोरी में स्टोर करें तो मेमोरी यूनिट आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, फिर कंट्रोल यूनिट हो जाती है जो इनको कंपेयर करती है और आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, उसके बाद आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है जो कि आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए यूज होते हैं, और आपकी बाइनरी में या किसी भी चीज को कंपेयर अगर आप करते हैं तो उसके लिए यूज होते हैं, लॉजिक परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के इसके आगे दो मजीद यूनिट्स हैं, एक होती है अर्थमेटिक यूनिट जो कि कंप्लीट आपका मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है डिवीजन करना है, तो उसके लिए अर्थमेटिक यूनिट यूज होती है, जबकि लॉजिकल यूनिट ये सिर्फ लॉजिक परफॉर्म करती है, मीन दो डिजिट्स में कंपेयर करना, उसके अलावा लॉजिक गेट्स वगैरह पे काम करना, सारे काम जो होते हैं लॉजिकल यूनिट्स पे होते हैं। उसके बाद आपके पास आउटपुट यूनिट सामने आ जाती है, मीन आपके अगर आपने ये सारे काम कर लिया, अपने डेटा को स्टोर कर लिया, तो जब ये स्टोर होगा आप इसको जब प्रिंट निकालोगे तो वो आउटपुट से निकलेगा, तो ये इसके मेन ब्लॉक डायग्राम होती है कंप्यूटर की। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट कौन सी होती है, कहते हैं दीज डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स इन टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हो, तो उसको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हो। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्कैनर वगैरह, या फिर इनपुट डिवाइसेस में, इनपे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आपकी ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस क्या होती है और कंप्यूटर के मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा, एंड चल आप नेक्स्ट लेसन में और भी इस पे डिटेल से देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।